हेलो व्हाट्स अप एवरीवन, कैसे आप सब भाई हो? बढ़ेंगे मलकी शेख। सो गाइस, आप लोगों को मालूम है, जैसे मैंने कहा था नेट लेने जाएंगे, यार टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो आज जा रहे हैं नेट लेने। ठीक है, जैसे काफ़ी भाइयों ने कहा था, कमेंट करा था, यार एक टोटल गेमिंग करके शायद या गेमर है, ऐसे ही भाई ने, गेमर है कोई हमारे सब्सक्राइबर, तो उन्होंने कहा था भाई जब भी जाओगे आप यार हमारे लिए भाई प्लीज़ वीडियो बना के ज़रूर जाना, हमें बताना कि नेट लेना कैसे कैसे लेना है। तो इस वीडियो के अंदर एंड तक बने रहना भाई गाइस, पूरी चीज़ें बताऊँ कैसे लेना है, कहाँ से कहाँ तक जाना है। ठीक है, तो ठीक है, जैसे पिछली बार हम गए थे जामा मस्जिद, गए थे जामा मस्जिद, गेट नंबर 1 से आगे पीपल का पेड़ है, मुर्गा मार्केट कहते हैं, ऑब्वियसली बात है, आप वहाँ पे मच्छी मार्केट भी है, मुर्गा मार्केट कहोगे वहाँ पे आप पहुँचा देगा कोई भी बंदा, बता देगा। ठीक है, वहाँ पे जाने के बाद करना क्या आपको, पीपल का पेड़ है। ठीक है, तो अभी मैं जैसे वहीं पहुंचूंगा आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाऊंगा, बताऊंगा। ठीक है, तो अभी छत पे आया हूँ मैं यार नेट का साइज़ लेने। ठीक है, तो ये देख रहे हो कम से कम भी 2 मीटर के आसपास होगा, ठीक है, लंबाई इसकी होगी और 1 मीटर के आसपास चौड़ाई होगी, तो फिर कम से कम भी अपने को चाहिए, हाइट चाहिए अपने को 7 फुट के आसपास हाइट चाहिए। ठीक है, और 1-2 मीटर के आसपास कहते हैं लंबाई चाहिए। ठीक है, तो अपना नेट हो जाएगा पूरा कवर। ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल भाई फटने को हो रहा है, होल पे हो जा रहा है, तो भाई हल्की सी भी पता नहीं हम कब तक नेट लगा के रखें, जैसे अभी कह रहे हैं। ठीक है, तो अभी मेरा कोई भी मूड अभी चेंज नहीं हुआ, ठीक है, कबूतर निकालने का। कबूतर तो अपने माशाल्लाह सारे जो सेट हो चुके हैं बिल्कुल बड़े प्यारे से, बट ये है कि अभी खोलना काफ़ी, मैं सोच रहा हूँ और कबूतर लेगा, अभी तो वही कन्फ्यूजन चल रही है। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद आप लोगों को कुछ अच्छा भी देखने मिलेगा, ठीक है, बहुत अच्छा, और तो उसी चीज़ में फंसाऊँ कि कबूतर लेके आऊँ या ना लेके आऊँ, ठीक है, वो चीज़ करूँ या ना करूँ, तो काफ़ी सारे डाउट्स हैं जो भाई काफ़ी टाइम से रह रहे थे, तो अब उसे धीरे धीरे क्लियर करने हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो वही अभी चेक कर रहे हैं, नेट तो गया पूरा भाई, नेट क्या कपड़ा कहेंगे, वाइट कपड़ा है, तो गया भाई पूरी साइड से फट गया, तो नेट लगाना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि नेट के बिना काम नहीं बन पाएगा, अगर हल्का सा भी हवा चली इधर हुई तो भाई नेट रहेगा सपोर्ट कर लेगा। ठीक है, तो अभी इससे पहले तो अभी नेट लगा लेके ही आते, बाद में लगाने की सोचेंगे, पहले नेट लेके ही आते, क्योंकि सामान लेके आना भाई, आ जाएगा तो आ जाएगा, फिर उसे यूज़ कर लेंगे, बगैर अभी नहीं आया तो नहीं आया। ठीक है, तो इन्हें दाना वाना दे देते हैं भाई, दाना पानी खिला के चलते, अपन भी तैयार व्यार होते हैं, अपनी भी हालत ख़राब हो रही, दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो चौड़ाई एक बारी मैं भी देख लेता हूँ, आप लोगों को भी दिखा देता हूँ उतना नेट लेगा ना, और भाई प्राइस वगैरह सारी चीज़ें भाई जितनी भी हो सके उनसे मैं आप लोगों को करके दूंगा। ठीक है, इस वीडियो में तो एंड तक भाई वीडियो के अंदर आप लोग बने रहना। ठीक है, तो गुजारिश है जो भी चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लो चैनल, ठीक है, क्योंकि वीडियो आने वाली है और आती ही रहेंगी। ठीक है गाइस, कुछ इस तरह से हो रही है। ठीक है, तो अभी अपने बाल वाल थोड़े जड़ रहे थे, तो इस चक्कर में हल्के से छोड़े करा रखे हैं, और थोड़ा कटवट है उसको इग्नोर मारो। तो अभी जैसे बोला जावन जी चल रहे हैं, तो अभी अपनी हालत ठीक भी करते हैं और पहुंचते हैं दिल्ली 6। ठीक है, गेट नंबर 1 पे पहुंचते हैं, उसके बाद आप लोगों को वीडियो दिखाते हैं। ठीक है, मिलते हैं गाइस। गाइस हम आ चुके हैं यार दिल्ली 6 जामा मस्जिद, सामने एंट्री गेट है जामा मस्जिद का, ये देखो भाई, तो अभी चलते हैं अंदर की तरफ। जो पीपल का पेड़ दिख रहा है सामने, वहीं पे आप लोगों को नेट मिलेगा। ठीक है, ये आगे चले, ये देखो भाई, एक दिखी ये शॉप है और एक ये शॉप है, बच्चा बैठा है, ये देखो पीछे है और एक आगे, पीपल के नीचे बैड मिल जाएंगे आपको भाई। काट दे, काट दे, काट दे,
कैसे कैसा रह रहा है। सोन जी गाइज आ चुके हैं अपनी छत पे भाई सामान लेके। तो भाई काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ मैं, अभी आया ही हूँ, जस्ट थोड़ा बैठा हूँ नीचे और अभी छत पे चढ़ा हूँ दाना वाना, जैसे टाइमिंग हो चुकी है ठीक है। तो भाई 5:30 बज गए हैं आने में, वहाँ से सामान वामान लेके थोड़ा घूमते फिरते। तो जैसे आप लोगों को पता ये खुले हुए थे ठीक है, तो नेट वगैरह आपको दिखाता हूँ। जैसे आप लोगों ने देखा यार बारी आपको क्या बोलते हैं पीपल का जो है बंदा बैठ रखा है, दो दुकानें हैं वहाँ पे, जैसे आप लोगों को वीडियो में दिखी थी, तो वो दो दुकानें एक गली के अंदर और दुकान है ठीक है। तो भाई नेट तो ये रहा ठीक है। तो अभी ये जो अपना पुराना वाला नेट दिख रहा है आप लोगों को, यार कैसे दिखाऊँ एक सेकंड में आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो भाई ये है, काफ़ी मोटा है भाई ठीक है इसके मुकाबले, और ये है काफ़ी बारीक वाला यार। तो एक गलती हो गई, हमने बाहर से ही नेट ले लिया, जैसे देखा आपने यार अंदर गली के अंदर जाना चाहिए था, उनकी दूसरी शॉप है ठीक है, तो वहाँ से लेना चाहिए था। ये मैंने लिया है 1.5 मीटर के आसपास लिया है ठीक है। तो प्राइस वगैरह आप लोगों को बताता हूँ, वहाँ तो बता नहीं पाया अब, रुपये आराम से आया, मैंने सोचा आराम से बताता हूँ ठीक है। तो प्राइस भाई मेरे को जो पड़ा है ये 225 के आसपास पड़ा है ठीक है, मीटर बार्गेनिंग करके। सबसे बड़ी बात है जिसकी बार्गेनिंग अच्छी है भाई वो कम से कम रेट करवा सकते हैं उनसे ठीक है। तो जितना हो सके मैंने बार्गेनिंग पे कराया ठीक है, मगर मीटर के हिसाब से यार मेरे को समझ नहीं आया ठीक है। इसके अकॉर्डिंग तो मेरे को किलो के हिसाब से मस्त लगा ठीक है, किलो के अंदर भी आप बार्गेनिंग करा सकते हो भाई, जितनी हो सके आप में टैलेंट है ठीक है बार्गेनिंग का, जिसको भी सेल परचेज का मस्त तरीका है आप पता है ठीक है, तो अपने हिसाब से कम ज़्यादा करा सकता है। तो जितना हो सके मैंने कम कराने की कोशिश करी और भाई करवाया, कोई नहीं बाकी वो फटने को हो रहा है यार, जुगाड़ तो करना ही था, लगाना ही था ठीक है, तो लगा दिया, ले आए हैं ठीक है। अब मैं इतनी हालत में नहीं हूँ कि अभी लगा पाऊँ, क्योंकि देख रहे हो भाई टाइम हो चुका है और आते आते बंदे की हालत ख़राब होती है आपको मालूम है ठीक है। तो देख दाग के ले आए, अब कोशिश यही है कि भाई जल्दी से जल्दी हो सके लगाऊं मैं इसे ठीक है, अभी तो बिल्कुल नहीं लगा पाऊँगा। तो अभी आ गया है, वही बड़ी बात है, अब लगाने का सोचना पड़ेगा ठीक है। जैसे ही कल टाइम वगैरह मिलेगा, परसों मिले, जल्दी से जल्दी हो सके लगाऊँगा, क्योंकि भाई वो बहुत ज़्यादा फट रहा, देखो आप लोग ये चीज़ देखो, तो हल्की सी भी हवा चली तो वो टिक नहीं पाएगा और ये ढेर हो जाएगा और सारा मट्टी हो जाएगा। तो भाई ये खुले रहते तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है, ये खुल गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो सोच समझ के, और ये जो नया पकड़ा था वो भी, तो ये सारे हैं यहीं पे है ठीक है। हल्का उल्का दाना वाना गिरते हैं और उनकी भी टाइमिंग हो रही है, तो उन्हें भी बाहर निकालते हैं। तो ये है 1.5 या 2 मीटर के आसपास है ठीक है गाइस। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कहाँ से जाना है, कहाँ से क्या लेना है ठीक है। और एक चीज़ और, जैसे मैं कह रहा हूँ भाई ठीक है, 1-2 दिन के अंदर भाई ख़तरनाक चीज़ करने वाले हैं ठीक है, जिस चीज़ का काफ़ी दिनों से वेट था, आधी चीज़ तो हमने कर ली थी, अब थोड़ी सी पेंडिंग रह गई है, बस 1 दिन की बात है आसपास, उसके बाद आप लोगों को शौक कराएंगे ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ठीक है, और बेल आइकन दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आगे आप लोगों को अच्छी चीज़ें मिल पाए, नोटिफिकेशन बेल ऑन रहेगी तो आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती रहेगी अब ठीक है। तो आज 1 दिन की बात है ठीक है भाई, तो काफ़ी तगड़ा सरप्राइज आने वाला है आप लोगों के लिए ठीक है मेरी तरफ से। तो जिसने अभी मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा भाई जाके फॉलो करो, आप लोगों को पता चल जाएगा ठीक है 2 से 3 दिन बाद क्या चीज़ है ठीक है। और मैं इतना क्यों रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपने ग्रुपों और भाइयों में शेयर करो, वो आप लोगों को इंस्टाग्राम पे पता चल जाएगा। तो जिसने भी तक अभी फॉलो नहीं करा भाई इंस्टाग्राम पे जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, फॉलो कर लो ठीक है जल्दी से जल्दी भाई ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और आपको मज़ा आ जाएगा। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।